इवनिंग क्लास, इन अवर लास्ट क्लास वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज 1E. 1E तक हम पढ़ चुके हैं, अब हम एक्सरसाइज 1F पढ़ेंगे. ठीक है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि रिमाइंडर और क्वेश्चन क्या होता है. क्वेश्चन यानी कि वो होता है जब हम डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं, और रिमाइंडर जो डिवीजन करने के टाइम पे जो बच जाता है, जो भी नंबर उसे हम कहते हैं जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है ना, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको यही करना है, डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड क्वोशेंट एंड रिमाइंडर. यहाँ पर आपको यही करना है, डिवाइड करना है इन नंबर्स को और क्वोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन के लिए बुक में स्पेस दिया हुआ है तो इसको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप बुक में ही करेंगे. अब यहाँ पर देखिए 58 को आप डिवाइड करेंगे 8 से. ठीक है, 8 के टेबल में 7 टाइम्स में 56 आता है, 58 नहीं आता है. ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 0 एंड 2. अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है, 7, एंड जो रिमाइंडर है मतलब बचा हुआ है वो क्या है, 0 2. ठीक है, नाउ नेक्स्ट 55. 5 1 5 0 सॉरी माइनस, यहाँ पे आ गया 0, ये 5 नीचे आएगा. 5 1 5. क्वेश्चन क्या हो है आपका, 11, और रिमाइंडर क्या है, 0, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा है. ठीक है, सेम ऐसे ही 27. ओके, 4 6 24, रिमाइंडर 3. क्वेश्चन क्या है, 6 एंड रिमाइंडर 3. ओके, वैसे ही क्वेश्चन नंबर डी. देन ई एफ जी एच, ये आप लोग खुद से करेंगे या आप लोगों का होमवर्क है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड. इस क्वेश्चन में आपको स्पेस नहीं दिया हुआ है बुक में तो आप इसको कॉपी में करेंगे. ठीक है, कॉपी में करेंगे. सबसे पहले तो आप लोग एक्सरसाइज ऊपर मेंशन करेंगे जैसा कि हम हर बार करते हैं. ठीक है, यहाँ हम मेंशन करेंगे एक्सरसाइज 1F. ओके, ये मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे. फर्स्ट वन 58 डिवाइडेड बाय 3. ओके, फिर इसको आप लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन, और इसको जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं उसको लिखेंगे 58 एंड देन 3. 3 1 3, माइनस करेंगे यहाँ 2 बचा, 8 नीचे. ओके, देन 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27. सो 3 9 ज़ा 27, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे डिवाइड करते टाइम कि आप उतने टाइम्स ही टेबल को रीड करेंगे कि जो दिया हुआ नंबर है उससे ज़्यादा बड़ा नंबर ना हो. उससे छोटा आप नंबर ले सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. ठीक है, उससे बड़ा नंबर 28 है, 28 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, 28 से कम ले सकते हैं. ठीक है, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30 हो जाएगा, 30 28 से बड़ा है इसलिए हम 9 टाइम्स में ही लेंगे. 3 9 ज़ा 27 और 1 बचा यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्वोशेंट मतलब आपका आंसर क्या है, 19, और रिमाइंडर क्या है, 0 1. ठीक है, इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है. सेम वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे, डिवाइड एंड फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशेंट. इसमें भी यही करना है आपको, डिवाइड करना है और रिमाइंडर और क्वोशेंट को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो पहले तो आप लोग क्वेश्चन लिख लेंगे, इसके बाकी के क्वेश्चंस मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, इसको आप लोग खुद से करेंगे. दिस वन इज योर होमवर्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे. देन फर्स्ट वन 300 362. ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन डालेंगे. देन 362 डिवाइडेड बाय 3, देन 3 1 ज़ा 3, देन दिस 6 विल केम डाउन, 3 2 ज़ा 6. अब फिर 2 को नीचे लेकर आएंगे, 3 0 ज़ा 0, 2 बच गया क्योंकि 2 3 के टेबल में आता ही नहीं है तो वो रिमाइंडर बचेगा. क्वेश्चन आपका क्या है, 120, एंड रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 2 0 2. ठीक है, सेम इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. ओके, यहाँ पर एक्सरसाइज 1F कंप्लीट हो गया है. अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1G. एक्सरसाइज 1F में हमने 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर्स को डिवाइड किया है. अब यहाँ एक्सरसाइज 1G में आपको 4 डिजिट के नंबर्स को दिया गया है. ठीक है,
तो जिस तरह से हमने 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर्स को डिवाइड किया है, वैसे ही 4 डिजिट के नंबर को भी डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिवाइड एंड चेक योर आंसर, डिवाइड भी करना है और चेक भी करना है कि आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है। ओके, सबसे पहले तो हम न्यू पेज से, न्यू एक्सरसाइज को हम हमेशा न्यू पेज से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1G, यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख लेंगे, जो क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे। ओके, फर्स्ट वन, 4614 डिवाइडेड बाई 4, 4614 को आपको डिवाइड करना है 4 से। हियर वी विल राइट सॉल्यूशन, अब इसको लिख लेंगे जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं, 4614 डिवाइडेड बाई 4, 4 वन ज़ा 4 0, देन ये 6 नीचे आ जाएगा, अगेन 4 वन ज़ा 4, कितना बचा है 2, है ना, ये 1 को आप नीचे लिख लेंगे, 4 फाइव ज़ा 20, ओके 1 रिमेनिंग है, फिर 4 को नीचे ले आएंगे, हियर 4, ओके सो 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, रिमाइंडर 0 2, 2 डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपने लिख लिया। अब आपको चेक करना है कि आपका ये जो आंसर आया है, इसका मतलब क्वेश्चन 1153, ये सही है या नहीं है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे चेक, चेक करने का फॉर्मूला होता है, कैसे चेक करते हैं, जो आपका आंसर आया है। ठीक है, आंसर क्या है, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्या करते हैं, कोशेंट मतलब जो आंसर आया है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, डिवाइजर से मतलब जिससे आपने डिवाइड किया है, प्लस रिमाइंडर जो बचा हुआ है उसको आप उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, 4 थ्री ज़ा 12, कैरी 1, 4 फाइव ज़ा 20 प्लस 1 21, सो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, कैरी 2, 4 वन ज़ा 4 प्लस 2 6, देन 4 वन ज़ा 4 प्लस 2, 12 प्लस 2 14, 4 6 1 4, यही नंबर था जो आपने डिवाइड किया था। ठीक है, मतलब ये वाला नंबर आ जाता है अगर ये करने से, तो इसका मतलब क्या है, आपका डिवीजन जो है वो एकदम करेक्ट है। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे। ओके, सो आज के लिए बस क्लास यहीं तक रखते हैं। आज हमने 2 एक्सरसाइज को सॉल्व किया, एक्सरसाइज 1F एंड 1G, इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व करेंगे, और अगर आपसे नहीं बनता है तो पूछ लीजिएगा। ओके, सो एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे।